शादी के कपड़ों में पहुंचा कपल और अचानक लगा दी पानी में छलांग। जैसे कि दोस्तों बता दें कि आयरलैंड में एक समुद्र तट पर मौजूद उस वक्त हैरान कर देने वाली जब शादी के कपड़ों में कपल ने अपनी पानी में छलांग लगा दी। हालांकि कुछ ही देर में यह साफ हो गया है कि जैसा आशंका जताई जा रही है वैसा कुछ नहीं है। दरअसल कपल में कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और दोनों अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए बीच गए थे। डेली मेल रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि अनीता मैकार्थी अपने पति डॉम के साथ 5 सितंबर को डबलिन को सैडिकोच के बीच हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी के ड्रेम पहन पर शादी के मौजूदगी चट्टान पर चढ़े और अचानक पानी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने कुछ लिए कर सकते थे लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं। अनीता मैकार्थी ने बताया कि डॉम के साथ उनकी शादी 4 सितंबर को हुई थी और दोनों अपने जीवन के लिए शुरुआत के अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते थे लेकिन इसीलिए डबलिन सैडिकोच के बीच वहां पर पानी में छलांग लगा दी। अनीता ने कहा कि चूंकि हम अपनी मैरिज के सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसीलिए हम अपने कपड़े पहन के जो शादी के वक्त पहने थे। कपल ने पानी में छलांग लगाने के बाद मौजूद लोगों को पीछे की वजह से पता चला कि वह खुशी से झूम उठे। कुछ युवा पानी में बाहर निकालने आए ताकि कपल को कोई परेशानी न हो जबकि किनारे मौजूद लोगों की तालियां बजाकर उनका स्वागत उत्साह बढ़ाने लगे। और बता दें कि बीच समय में बिताने की अनीता मैकार्थी डॉम वापस लौट आए। अगर मैं वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि मैं वीडियो को कैसी लगी।